हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई थिंक यू आर फाइन। हेयर आल्सो आई एम फाइन। ओके, वी आर कमिंग टू आवर पॉइंट। स्टूडेंट्स, यस्टरडे इन आवर लेक्चर आई टोल्ड यू दैट वर्ड मटेरियल, इट इज कमिंग फ्रॉम वर्ड मैटर। और मैटर को मैंने डिफाइन भी किया था। मैटर को डिफाइन कैसे किया था? मैटर इज दैट विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। ओके, सो ऑल द थिंग्स अराउंड अस आर ऑक्यूपाइंग स्पेस एंड हैव मास। सो इंट्रोडक्शन में ही मैं कुछ चीजें और ऐड करना चाहता हूं वर्बली आपके साथ इस चैप्टर की। मैटर जो हमारे चारों तरफ हैं, अराउंड अस जो हमारे चारों तरफ मटेरियल्स हैं, वो आप मेनली देखोगे बेटा तो दे आर आप इन थ्री स्टेट ओनली। वो मेनली तीन स्टेट में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। या तो मटेरियल हमारे चारों तरफ जो है वो या तो वो सॉलिड स्टेट में है, या वो लिक्विड स्टेट में है, या फिर गैसियस स्टेट में है। सॉलिड स्टेट में उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ऐसे ही लिक्विड स्टेट के जो मटेरियल होते हैं उनकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, और सेम दे आर विद द गैसियस स्टेट। तो सॉलिड स्टेट जैसे कि आप देख रहे हो, आपके हाथ में आपके पेन है, नोटबुक है, टेबल है आपके सामने, डिस्प्ले बोर्ड, ये सब सॉलिड, वॉल है आपके रूम की, ये सब सॉलिड स्टेट है, बोर्ड है, ये सब के सब सॉलिड स्टेट है। और सॉलिड स्टेट में मैं आपको बता दूं, जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स मीन्स ऑफ विच दैट मैटर इज मेड ऑफ, दे आर वेरी क्लोजली, वो एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं, ठीक है, दे आर टाइटली पैक्ड यू कैन से इन केस ऑफ सॉलिड। सॉलिड के केस में ऐसा होता है। दूसरी स्टेट मैंने बताई वो है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में जैसे जैसे मैं आपको, जैसे आप अभी वाटर ड्रिंक कर रहे हो डिस्प्ले देखते समय, या मिल्क पी रहे हो, या शेक पी रहे हो, या जूस पी रहे हो, दैट ऑल आर इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में भी जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं मैटर के अंदर, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, दे आर हैविंग देयर ओन प्रॉपर्टीज। लाइक देयर द जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है, इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स आर नॉट सो क्लोजली एज इन केस ऑफ सॉलिड। पार्टिकल्स जो हैं वो इतने क्लोज नहीं होते हैं जैसे कि सॉलिड के केस में होते हैं। दे आर हैविंग सम स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में कुछ स्पेस होती है, राइट। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में यह होता है। उसके बाद जो थर्ड स्टेट है वो है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में बच्चों जो पार्टिकल्स हैं ऑफ विच गैस आर मेड, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से बहुत बहुत दूर होते हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं उनके, वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, राइट बेटा। इसीलिए आप देखते हो गैसेस जो हैं वो फ्लोट करती हैं, जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल आप देख सकते हो एयर अराउंड अस, वो इसीलिए आराम से फ्लोट करते हैं, ठीक है, कि क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। सो अबाउट ऑल दैट मटेरियल दैट आर फाउंड अराउंड अस एंड द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर और मटेरियल दैट आर फाउंड अराउंड अस एंड देयर प्रॉपर्टीज ऑल्सो, राइट बेटा। नाउ कमिंग
on to the chapter. Next is, you can see, we can see a large number of objects around us, such as table, chair, fan, book. Okay, इस तरीके के objects हैं हमारे चारों तरफ. इस तरीके के ऑब्जेक्ट हैं, टेबल है, चेयर है, फैन, बुक है, पेंसिल है, इरेजर है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं. और दूसरा पॉइंट देखिए आप इसमें, वी कैन सी दैट दे आर सेम मटेरियल. अब यहां इस पे ध्यान देने वाली बात है, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल. जैसे अभी आप जहां पे देख रहे हो ये वीडियो, वहीं पे देख लो, वो टेबल है ना, वो पेंसिल है ना, वो बोर्ड है या कवर्ड है या डोर है, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेम मैटर दैट इज वुड. वो सभी एक ही मैटर के बने हुए हैं, राइट. इसी तरीके से अपने अराउंड दूसरी चीजें देखिए अब आप, है ना, दूसरी चीजें भी आप लोग देख सकते हो. दे ऑल आर सॉलिड, द वुल वुड इज देयर एंड वुड इज सॉलिड मैटर. ओके, तो दे दीज ऑल मटेरियल आई डिस्कस, दे ऑल आर सॉलिड मैटर, राइट. तो ऐसे ही अब आप देख सकते हो, लिक्विड यूसी, सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए, दूसरे एग्जाम्पल जैसे कि किचन में सब यूटेंसिल्स हैं, पॉट्स हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ द सॉलिड मैटर. सब के सब, चाहे वो प्लास्टिक के बने हो, चाहे वो स्टील के बने हो, या वो आयरन के. सो आपके घर के विंडोज वगैरह वो भी आयरन के बने होते हैं, किसी के स्टील के बने होते, बट दे आर ऑल of solid. So different materials are made up of same type of matter. Okay beta, that is now coming on the next. You can see the materials wood से देखिए कौन कौन से object बनते हैं, chair, table, bullock cart, है ना, different materials they are made. इसमें और भी आप ऐड कर सकते हो, है ना, पेंसिल है आपका, पेन है, ये भी अब ये सब आप इसमें ऐड कर सकते हो. पेपर से कौन कौन से मटेरियल, बुक है, नोटबुक है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, है ना, ये सब बनते हैं. लेदर से बेल्ट है, जैकेट है, शूज है ना, स्लीपर्स हैं, ये सब इनसे बनते हैं. प्लास्टिक से तो आप लोग देखते हो, प्लास्टिक तो हमारे लिए सुबह से शाम तक हम लोग टूथब्रश से लेकर लैपटॉप, टेलीविज़न, एलईडी, टॉयज, है ना, बकेट, मग, वो सब के सब प्लास्टिक, दे आर मेड अप ऑफ सेम मैटर दैट इज प्लास्टिक. ऐसे ही कॉटन से देखिए क्लोथ्स बने हैं, टॉयज बने हैं. Now we come on to the cotton. Cotton से clothes बने हैं, twills बने हैं, है ना, cotton से pillow बने हैं. So these are different items, materials you can say they are made from a single matter. I gave you different example also here. Now next we are going to conclude here. Now, students, I am going to conclude today's session. Okay, today's session is over. I think you have got what I have explained on today's session. Okay, beta, write it on your notebook and you must get it properly. Okay, what explanation I did. Okay, I will see you tomorrow at the same time. Bye.